गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चूम। सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में पिछली क्लास में हमने पेरिप्लेनेटा या तिलचट्टे के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। आहार नाल के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड्स या सलाइवरी अपरेटस के बारे में। कॉकरोच में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि पाचन में इसको मदद करती हैं, थोरिक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं और ईसोफेगस की जो पृष्ठ पार्श्व सतह यानी डोर्सोलेटरल साइड जो है ईसोफेगस की, वहाँ ये प्रेजेंट होती है। तो एक पेयर होती है सलाइवरी ग्लैंड ईसोफेगस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है और ये डिफ्यूज टाइप की ग्लैंड होती है, फैली भी होती है और वाइट कलर की ग्लैंड होती है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं या जिन्हें एसिनाई भी कहते हैं और उसके कारण ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो अंगूर के गुच्छे के जैसे लगते हैं। ये तो ये जो एसिनाई और लोब्यूल्स इसके जो कि एक अंगूर का गुच्छा होता है उस तरीके से दिखाई देता है और आपस में एक दूसरे से बहुत फाइन ट्यूब्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जो एसिनाई या लोब्यूल है उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये जो लोब्यूल है या एसिनाई है इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक जो सेल्स हैं वो तो होती हैं जाइमोजेनिक सेल्स और दूसरी होती हैं डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स। दोनों ही तरह की सेल्स जो हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं और इस सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है जाइमेज और इसके अलावा कुछ म्यूकोइड सब्सटेंस भी होता है। डक्ट्यूल्स जो निकलती हैं इस डक्ट्यूल सेल से वो जाकर खुलती हैं इंटरकैलरी डक्ट में और ये फिर इंटरकैलरी डक्ट जो है वो एसिनाई को छोड़कर अपनी डक्ट जो है एसिनाई की एक साइड की वो आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ी डक्ट बनाती हैं, एक लार्ज डक्ट बनाती हैं। ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको और हरेक ग्लैंड से जुड़ी हुई एक इलॉन्गेटेड सैक लाइक या बैग लाइक थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है फूला हुआ जिसे रिजर्वायर या रिसेप्टिकल कहते हैं और ये जो रिजर्वायर है वो सलाइवा को स्टोर करने का काम करता है। अब ये जो डक्ट्स निकल रही हैं दोनों सलाइवरी ग्लैंड से, तो दोनों सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट्स आपस में जुड़ जाती हैं और फिर एक कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं। ये देखिए कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट इसमें दिख रही है जो दोनों रिजर्वायर से आके मिल रही हैं, ये बनाती हैं और उसके बाद ये जो कॉमन रिजर्वायर डक्ट बनती है ये दोनों जुड़ जाती हैं दोनों साइड की और फिर एक कॉमन इफरेंट सलाइवरी डक्ट बनाती हैं और ये जो इफरेंट सलाइवरी डक्ट है वो हाइपोफेरिंग्स के बेस पर खुलती है यानी हाइपोफेरिंग्स के नीचे की तरफ ये खुलती है। हाइपोफेरिंग जो कि सलाइवेरियम में प्रेजेंट होता है प्री ओरल कैविटी की, तो वहाँ जाकर फिर ये डक्ट खुलती है जिससे कि सलाइवा प्री ओरल कैविटी में डिस्चार्ज किया जाता है या छोड़ा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है सलाइवरी ग्लैंड का। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो फूड या भोजन क्या होता है कॉकरोच का। कॉकरोच या तिलचट्टा जो है, जैसे शुरू में इसका मैंने स्वभाव आपको बताया था तो बताया था ये ओमनिवोरस होता है, ओमनिवोरस या सर्वाहारी यानी हर तरह की चीज़ें ये खाता है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो एनिमल हो या वेजिटेबल मैटर हो, कोई भी होता है। अब उसमें लकड़ी भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, लेदर हो सकता है, पेस्ट है और किसी भी तरह की जो चीज़ होती है उसको ये खाता है। यहाँ तक कि अपनी खुद की जो क्यूटिकल होती है, जो कास्टिंग इसमें होती है, उसको भी ये खा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये नॉक्टर्नल होता है तो नाइट में फीड करता है, रात को भोजन की खोज में निकलता है। फीडिंग कैसे होती है, भोजन कैसे ग्रहण करता है ये, तो
फूड जो है जैसा अभी मैंने कहा रात को निकलता है अंधेरे में, और इसके एंटीनी इसको मदद करते हैं। तो एंटीनी जो कि इसके काफ़ी लंबे होते हैं वो सीप करते रहते हैं ऐसे, और मैग्जिलरी और जो लेबियल पेल्प्स हैं वो इसको मदद करते हैं। इसके साथ ही इसके फोर लेग्स यानी आगे के जो पैर हैं वो लेब्रम और लेबियम, ये सब इसको फूड को कैच करने में पकड़ने में मदद करते हैं। और जब ये फूड को कैच करता है तो मैंडिबल्स जो इसके हैं, ये सारे इसके माउथ पार्ट्स हैं, तो मैंडिबल्स जो हैं उनमें साइडवेज मूवमेंट होता है जो कि एडक्टर मसल्स के कारण होता है। और इसके मूवमेंट के कारण, मैंडिबल्स के मूवमेंट के कारण फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैस्टिकेट हो जाता है या पिस जाता है। तो इस तरीके से अपने माउथ पार्ट्स की मदद से ये फूड को पकड़ता है। अब ये फूड जो एंटर होता है माउथ में उसका फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ कैविटी जो है या इसकी जो मुख गुहा है उसमें सलाइवेरियम होता है, जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था सलाइवरी डक्ट आकर खुलती है। तो जो क्रश्ड फूड, ये पिसा हुआ फूड जो मैंडिबल की मदद से फूड पीसा गया है, वो जब माउथ कैविटी में आता है तो वो सलाइवरी सिक्रीशन के साथ मिक्स हो जाता है। अब सलाइवरी सिक्रीशन में म्यूकस भी होता है जो सलाइवा को, जो म्यूकस है वो लुब्रिकेट कर देता है, फूड को लिसलिसा बना देता है, और उसमें जो एंजाइम है जाइमेस वो उसका फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च मटेरियल होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। अब ये फूड जिसमें कि स्टार्ची मटेरियल जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया है, फूड लिसलिसा हो गया है म्यूकस की मिलने की वजह से, तो ये जो लुब्रिकेटेड फूड है वो फिर पुश किया जाता है फेरिंग्स में लेबियम की मदद से। तो लेबियम की मदद से फूड फेरिंग्स में धकेला जाता है। अब जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में मूव करना शुरू करता है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के कारण। तो ज़्यादातर डाइजेशन जो है फिर फूड का वो होता है क्रॉप में, एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है क्रॉप उसमें मैक्सिमम इसका डाइजेशन होता है। और ये जो डाइजेशन होता है वो किसके कारण होता है, हिपेटिक सीका और मिडगट उसके जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं उनकी मदद से फूड का डाइजेशन होता है। अब जब ये गिजर्ड में एंटर होता है फूड, गिजर्ड या पेशनी में, तो उसका फिर से फूड को और पीस दिया जाता है, क्योंकि उसकी इनर जो वॉल है उसमें भी उभार और कई लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी मदद से फूड को और मैश कर दिया जाता है। और उसमें जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। तो अब जो फूड और पीस दिया गया और फाइन पार्टिकल्स बन गए, तो केवल फाइन पार्टिकल्स ही आगे मूव करते हैं मिडगट में। तो ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है अब इसको मिक्स किया जाता है एंजाइमेटिक सिक्रीशन से, जो कि एंटरिक सीका के एपिथेलियल सिक्रीटरी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, और मिडगट या मध्य अंत जो है वो खुद भी कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती है। अब इन सिक्रीशंस में जो मेन कंटेंट है या जो एंजाइम्स हैं वो है, एक तो ट्रिप्सिन की तरह का एंजाइम होता है पेप्टिडेज। ये जो एंजाइम है पेप्टिडेज ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देता है। इसके अलावा दूसरा जो एंजाइम है वो है अमाइलेज। दिस अमाइलेज एक्ट्स अपॉन स्टार्च, तो स्टार्च को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है। इसी तरीके से लाइपेज एंजाइम है, दिस लाइपेज एक्ट्स ऑन फैट्स और फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है मिडगट के अंदर, अंदर की तरफ जो ट्यूब है उसके अंदर, और ये जो मेम्ब्रेन है वो स्टोमोडियल वॉल जो है गिजार्ड का उसके द्वारा सिक्रीट होती है। ये मेम्ब्रेन मिडगट की लाइनिंग को, ये जो फूड है या जो हार्ड इनडाइजेस्टिबल पार्ट है फूड का, उससे मतलब नुकसान पहुंचने से उसको बचाती है। तो इस तरीके से ये उसको भी प्रोटेक्ट करती है मिडगट को भी, और दूसरी बात ये जो है परमिएबल होती है एंजाइम्स के लिए भी और जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके लिए भी।
तो इस तरीके से फूड का डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। फूड जो कि डाइजेस्ट हो गया तो एपिथीलियल सेल्स जो हैं एंटरिक्सिका की और मिडगट की, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट तो करती, साथ ही साथ इनका एब्जॉर्प्टिव नेचर भी होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्टोर किया गया है फैट बॉडीज में, वहाँ से डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद ये स्टोर हो जाता है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है फैट बॉडीज में। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे पास कर दिया जाता है हाइंड गट में। और हाइंड गट में मैंने आपको बताया था उसके तीन पार्ट होते हैं पश्चात के, इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो ये जो अनडाइजेस्टेड या अपचित भोजन है वो सबसे पहले इलियम में जाता है और उसके बाद फिर कोलोन में पहुंच जाता है। और रेक्टम में जाने के बाद, रेक्टम जो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, तो रेक्टम में रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ गद्दी पैड्स होते हैं जो कि और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद जो फीकल मैटर बचता है, अवशेष पदार्थ बचता है, जो कि एनस के द्वारा ड्राई पेलेट्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से कॉकरोच में, जो कि ओमनिवोरस है या सर्वाहारी है, भोजन वो सब तरह का भोजन लेता है और उसकी एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी अपरेटस पूरा मिलकर साथ भोजन को पचाने में और अवशोषण करने में मदद करते हैं।